बाली, तुम जाके लाजो को ले आओ, मैं उसका ऑपरेशन करूंगी, जरूर करूंगी। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर पारस स्पीकिंग, कौन हंसा? हाँ मैं हंसा बोल रही हूँ। हाँ मंजू मान गई है। मान गई है वो? थैंक गॉड। आप जल्दी से आ जाइए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, क्या मेरी आंखें सचमुच ठीक हो जाएगी? हाँ तुम एक बार फिर इस खूबसूरत दुनिया को देख सकोगी। क्या ये दुनिया बहुत खूबसूरत है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और तुम्हारे लिए? बोले मैं डॉक्टर, बहारें हमेशा एक ही चमन में नहीं रहती लाजू। ऐसी बहारें लेकर क्या करूंगी डॉक्टर, जिनमें किसी बुलबुल के दर्द भरे नगमे हों। तुम दूसरों की चिंता क्यों करती हो? यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, तुम अपना घर क्यों अंधेरा कर रही हो? दूसरों का दुख दूर करना डॉक्टर का कर्तव्य है। अंदर आने की माफी चाहता हूँ सर जी। कौन है? घर का ही हूँ। अरे इतने दिनों के बाद आया, कहाँ है वो तेरी इमरजेंसी? ले तो आया था सर जी, लेकिन वो कंबख्त पारस का बच्चा उठा के ले गया। पारस? उसका क्या इंटरेस्ट है? वो उसका पुराना आशिक है, आंखों का इलाज कराने ले आया है। क्या बकता है, लड़की अंधी है क्या? है नहीं, थी। अब तो ऑपरेशन हो गया, पट्टी खुलने वाली है। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहा है? उड़ा के ले जाओ उसे पीली कोठी पर। जी बहुत अच्छा, लेकिन दो चार आदमी दे देते तो अच्छा था, क्योंकि आप जानते हैं कि हंगामा आजकल कहीं। हाँ आदमी भी मिल जाएंगे, तू जा काम कर। जी लेकिन सेठ जी, आजकल आप जानते हैं कि कुछ तुम्हारी कड़की है ना, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। पहले जा अपना काम कर। हंसा, पारस बाहर क्यों खड़ा है, अंदर बुला ले। वो अंदर नहीं आना चाहते, कहते हैं जो उन्हें गुनहगार समझते हैं उनकी नफरत और नहीं बढ़ाना चाहते। बहस ही करती रहेगी और बुलाएगी भी। रहने दो डॉक्टर, उनमें शायद हमारा तड़पना देखने के हौसले नहीं रहे। तू भी उसे नहीं समझ पाई। अब धीरे धीरे आंखें खोल। हाँ। देख तेरी जिंदगी का अंधेरा दूर भागने लगा। आओ ये देखो कितने खूबसूरत फूल हैं, जिंदगी से भरे हुए। और ये देख सुबह की पहली किरण, अब तो तेरे जीवन में उजाला ही उजाला है लाजू। नहीं नहीं, मेरे जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, अंधेरा तो मेरे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में रोशनी है। डॉक्टर मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। तुमने इसकी आंखें जानबूझकर खराब की है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये सच है डॉक्टर,
तुम पारस से प्यार करती हो और पारस लाजो से। तुम नहीं चाहती थी कि लाजो की आंखें ठीक हो जाए, पारस तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाए। नहीं, ये झूठ है। मैंने उसकी आंखें खराब नहीं की है। तुम खुद पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सच्चा इल्जाम है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। पारस, 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 पारस दुनिया मुझ पर शक कर रही है, मुझे गलत समझ रही है। क्या तुम भी मुझ पर शक करते हो? नहीं पारस, नहीं, तुम मुझ पर शक मत करो। तुमने मुझसे नफरत करने लगी और नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी पारस, मैं मर जाऊंगी। पारस भी ऐसा समझता है? यही तो तकदीर का सबसे बड़ा मजाक है। डैडी, अब इस दुनिया से जी भर गया। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। दुनिया की हर खूबसूरत चीज में कहीं ना कहीं दाग होता है। तुम भी मुझसे नफरत करने लगे और नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी पारस, मैं मर जाऊंगी। जब तुम अपने प्यार को आंखें ना दे सके, मेरे प्यार को क्या? तुम प्यार का ढोंग करती हो डॉक्टर। तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, नफरत है, सिर्फ नफरत। तुमने इसकी आंखें जानबूझ कर खराब की है। तुम पारस से प्यार करती हो और पारस लाजो से। तुम नहीं चाहती थी कि लाजो की आंखें ठीक हो जाए, पारस तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाए। ये झूठ है, मैंने उसकी आंखें खराब नहीं की है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सच्चा इल्जाम है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। डैडी, तेरी दुनिया से जी भर गया। सब मुझसे नफरत करते हैं, पारस भी। अब मैं जीना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। मंजू, बड़ा बाप लाजू, तू देख सकती है? हाँ, फिर तूने मुझे झूठ क्यों कहा? ताकि मैं तुम दोनों की दुनिया से चली जाऊं। तू पारस को प्यार करती है ना? नहीं, पारस तो तुम्हें प्यार करता है। तू उसकी अमानत है, चल मैं उसे सौंप देती हूँ। चल चल ना। हाँ, कहाँ ले जा रही हो इसे? हाँ, ये तो हमारी अमानत है, ले चलो पीली कोठी से। अंकल, पारस, तुम्हारी लाजो को वो गुंडे पीली कोठी उठाकर ले गए हैं। जाओ उसे बचा लो, जल्दी जाओ। अंकल, आप जाकर पुलिस को खबर कीजिए, मैं जाता हूँ पीली को।
ये भी ले। अब तो खुश जीते रहो मंगल सेठ, भगवान आपका धंधा बनाए रखे और अपना। चाय पानी ले ले, छोड़ दे मुझे। अंकल अब लाजू देख सकती है। हाँ अब मैं भी देख सकता हूं। पारस लाजू तुम्हारी है, हम सबकी है। अच्छा डैडी मैं चलती हूँ। बेटी मुझे अकेला छोड़कर जा रही? आप अकेले कहाँ हैं डैडी? आपके पास पारस है, लाजू है, अकेली तो मैं रह गई।